नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज स्पेस। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अपने चैनल पर हम सभी जॉब्स यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, बैंक रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं, वो भी पूरे इंडिया में से। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियोस बना सके। आज का वीडियो है MIDC ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल यानी कि MIDC ने हाल ही में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज निकाली है, जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। 18 से 43 साल के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन होगा। इस भर्ती में स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स मिलिट्री मैन और लेडीज के लिए स्पेशल कोटा है, जो कि 5%, 3%, 15% और 30% रिस्पेक्टिवली लागू होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप www.mahapariksha.government.in इस वेबसाइट पर भर सकते हो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। 17 जुलाई 2019 से 7 अगस्त 2019 के भीतर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम डेट आपको उसी वेबसाइट पर बाद में पता चल जाएगी। ओपन कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस है ₹700 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस है ₹500। एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग थ्रू पे कर सकते हो। एक्स मिलिट्री मैन को एप्लीकेशन फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। पहला पद है असिस्टेंट यानी कि सहायक पद। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों कैटेगरीज के लिए कंसिडर होगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है और ग्रुप डी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस कैंडिडेट को मराठी राइटिंग और रीडिंग आनी चाहिए। ग्रुप सी के लिए 31 वैकेंसीज है और ग्रुप डी के लिए 278 वैकेंसीज निकली है। दूसरा पोस्ट है क्लर्क यानी कि टाइपिस्ट। ये पोस्ट है सी ग्रुप में आती है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है और भर्ती के बाद में 2 साल के अंदर MSCIT एग्जाम क्लियर करना चाहिए। इस पोस्ट के लिए टोटल 31 वैकेंसीज है। तीसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड। ये पोस्ट सी ग्रुप में आता है। इसके लिए कैंडिडेट किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है और उसके साथ उसको मराठी स्टेनो 80 स्पीड के साथ और इंग्लिश 40 स्पीड के साथ एग्जाम क्लियर रहना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 20 वैकेंसीज है। चौथा पोस्ट है सर्वेयर सिविल इंजीनियरिंग विथ सर्विंग स्टडीज प्लस ऑटोकैड। ये कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 29 वैकेंसीज है। पांचवा पोस्ट है ड्राइवर ग्रेड 2। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को लाइट या हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, उसके साथ 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 29 वैकेंसीज है। छठा पोस्ट है सीनियर अकाउंटेंट। कॉमर्स डिग्री होल्डर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल 4 वैकेंसीज है। सातवां पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल। सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर या फिर सिविल में डिप्लोमा किए कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 वैकेंसीज है। आठवां पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज है। नौवां पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2। आर्किटेक्ट, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए टोटल 34 वैकेंसीज है। दसवां पद है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री होल्डर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज है। ग्यारहवां पोस्ट है फिटर ग्रेड 2। फिटिंग सब्जेक्ट में ITI कंप्लीट हुए कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए टोटल 41 वैकेंसीज है। बारहवां पोस्ट है पंप ऑपरेटर ग्रेड 2। रिस्पेक्टेड फील्ड में ITI हुए कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 79 वैकेंसीज है। 13वां पोस्ट है प्यून यानी कि सिपाही। इस पोस्ट के लिए 56 वैकेंसीज है और कैंडिडेट्स को बस मराठी राइटिंग और रीडिंग आना चाहिए। लास्ट पोस्ट है हेल्पर। कैंडिडेट को बस मराठी राइटिंग और रीडिंग आना चाहिए यानी कि मराठी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इस पोस्ट के लिए टोटल 278 वैकेंसीज है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ये थी पूरी जानकारी MIDC ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बारे में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए MIDC की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।